Hi friends, good evening. Today we'll continue our chapter, that is motion. We'll continue our chapter motion. तो कल हमने क्या क्या पढ़ा? कल हमने सबसे पहले देखा कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस देखे. एंड इसके अलावा हम ये भी देखे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सो आज हम लोग जानेंगे स्पीड क्या है मेरा, स्पीड व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी. ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्पीड रेशियो है, नॉर्मली रेशियो है. किस चीज का रेशियो है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम होता है. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. अब डिस्टेंस हम लोग कल देखें, सपोज में बोला जाए कि कोई भी बाइसाइकिल, सपोज एक बाइसाइकिल में एक आदमी जा रहा है, उसने यहां से यहां तक 100 किलोमीटर ट्रेवल किया. ठीक है, यहां तक. आफ्टर दैट ही रिटर्न हाफ 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर रिटर्न किया. अब वो यहां है, अब हम क्या बोलेंगे? इसका मुझे डिस्टेंस, स्पीड चाहिए. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे डिस्टेंस चाहिए. डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, दैट इज 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम. कितना है हमारे पास? अगर टाइम इसमें बोला जाए, टोटल ये 3 आवर ले रहा है. 3 आवर ले रहा है जाने में. हम लोग को बोला जा रहा है कि जब ये जा रहा है उस टाइम में इसका जो टाइमिंग है वो है 3 आवर. तो हम देख रहे हैं 3 आवर जाने में लगेगा, और 3 आवर्स में इधर हाफ ही गया, तो इसका मतलब हाफ यानी कि 4.5 आवर क्या लगेगा इसको आने में, यानी कि 4.5 आवर इसको आने में लगेगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब हम इसको कट करेंगे, पॉइंट को लेके ऊपर लेके जाते हैं, तो 5 9 45, 5 3 15, 0 0, ये हो जाएगा 3, और ये 100, यानी कि 100 बाई 3 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर 100 बाई 3 किलोमीटर पर आवर. अब हमें अगर बोला जाए, हमें किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, हमें जो आंसर चाहिए वो मुझे मीटर पर सेकेंड में चाहिए, मीटर पर सेकेंड. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 बाई 3, ये मेरा किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम. कितना है मेरा? 3 आवर है. इसको हम सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 करते हैं. ये जीरो कट जाता है, 2 5 10, 2 3 6, यानी कि नीचे 18 हो गया. अब मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर आपका 500 है, नीचे आपका 6 3 18 18, ओके. 2 से कट करते हैं, ये 50 हो जाएगा, ये 2 3 6. ठीक है, अब 50 25 हो जाएगा, मीन ये 25 0 डिवाइडेड बाय 3 3 9 एंड 3 27. 3 3 9 3 27. ठीक है, तो इतना किलोमीटर पर आवर मेरा क्या हो जाए, सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं, अब ये मेरा मीटर पर सेकेंड में आ गया, मीटर पर सेकेंड में आ गया. तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है, अगर मुझे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और मुझे निकालना है मीटर पर सेकेंड में, तो हमें क्या करना होगा? सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 5 बाई 18 से. सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 5 बाई 18 से. अब इतना ये क्यों करना है? क्योंकि हमें जो 1000 बाई मेरे को 60 × 60 करते हैं. 60 × 60 क्यों किए? क्योंकि एक आवर में क्या रहता है? 60 मिनट में 60 सेकेंड. इसलिए 60 × 60 करने से हमें क्या मिलता है? हमें डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंड में. इसमें जब कट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऊपर मेरा 5 बचता है और नीचे मेरा 18, 5 बाई 18. इसलिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 बाई 18. क्लियर? नेक्स्ट स्पीड बता रहे, ठीक है. तो स्पीड आपका यही है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जितना भी टाइम ले रहा है और जितना भी डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. जितना डिस्टेंस है, सपोज 10 है, डिवाइड बाय अगर 2 मिनट में कर रहा है तो हो जाएगा कितना, 5
5 मीटर, अगर 2 सेकेंड में करता है तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यही मेरा डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है कि स्पीड, सॉरी ये मेरा स्पीड है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे पास डिस्टेंस दिया रहेगा, हमारे पास टाइम दिया रहेगा, तो हम फटाफट निकाल देंगे कि मेरा स्पीड क्या है, कि मेरा स्पीड क्या है। क्लियर? अब इसके में टाइप्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हम डिस्टेंस नॉर्मली किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का कितना होता है, सेकेंड होता है। तो मेरा स्पीड का क्या हो जाएगा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड माइनस वन, मतलब ये मेरा बाई में है। ठीक है, और अगर हम इसका सीजीएस यूनिट देखे, सीजीएस यूनिट देखे स्पीड का, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर सेकेंड माइनस वन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये मेरा सीजीएस यूनिट हो जाएगा। क्लियर, अब हमें देखना है, हाँ, और स्पीड क्या है, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है। वाई, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस मेरा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, टाइम मेरा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही हो जाएगा। डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, वो भी मेरा एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्टेंस स्पीड के और भी कई तरह के स्पीड होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि अगर कोई स्पीड पर्टिकुलर टाइमिंग में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करे, फॉर एग्जांपल सपोज ये एक पाथ है, कोई कार यहां से चल रही है, कोई कार यहां से चल रही है, स्टार्ट की चलना, यहां तक उसका 5 मिनट हो गया। ठीक है, 5 मिनट नहीं लेते, 5 सेकेंड लेते, ठीक है, 5 सेकेंड हो गया। ठीक है, यहां पे अगेन 5 सेकेंड हो गया, यहां पे अगेन 5 सेकेंड हो गया, यहां पे अगेन 5 सेकेंड हो गया। तो मेरे पास यहां तक उसको जाना है, वो यहां से यहां 5 सेकेंड में ट्रैवल किया 10 मीटर। ठीक है, वो कार 5 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल किया, अगेन फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगेन 10 मीटर ट्रैवल किया। क्लियर, नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगेन ये 10 मीटर ट्रैवल किया। क्लियर, नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगेन ये 10 मिनट ट्रैवल किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा पर्टिकुलर टाइमिंग में, मतलब जितना बार मेरा 5 सेकेंड हो रहा है, उतना बार ये मेरा 10 मीटर इंक्रीज हो रहा है, 11 नहीं हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है, 10 ही हो रहा है। जब इस तरह का मतलब होता है पर्टिकुलर डिस्टेंस से, पर्टिकुलर टाइमिंग में, एक मतलब यूनिफॉर्म टाइमिंग में, यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मतलब सिंगल। ठीक है, तो यूनि मतलब क्या होता है, एक होता है ना, तो वही है, जब ये पर्टिकुलर टाइमिंग में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो क्या हो जाएगा मेरा, हम क्या बोलेंगे, ये मेरा यूनिफॉर्म स्पीड है, ये क्या है मेरा
यूनिफॉर्म स्पीड है, क्लियर। यानी कि पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर अपना एक टाइमिंग में अगर ट्रेवल करे तो क्या हो जाता है, वो मेरा यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है, वो मेरा यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है, क्लियर। A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal time interval, clear। जैसे कि equal distance equal time interval, clear। स्पीड तो सबका आपका जो ऐसा यूनिट होता है समय मीटर पर सेकेंड ही होगा, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्लियर। तो यूनिफॉर्म स्पीड समझिए। अब हमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या है, सेम डेफिनेशन रखते हैं। व्हेन आवर बॉडी is said to be moving with the uniform speed, non-uniform speed if it cover unequal distance, यहां change होके क्या हो जाएगा, unequal distance in equal time interval। ये क्या है non uniform, सपोज वही कार आपका यहां पे 5 सेकेंड में, ये मेरा 5 सेकेंड है, अगेन ये मेरा 5 सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट 5 सेकेंड में सपोज ये 10 मीटर मूव की, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये मेरा 20 मीटर मूव की, नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये मेरा 15 मीटर मूव, और फिर अगेन नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये मेरा 16 मीटर मूव की। इसका मतलब क्या हो रहा, पर्टिकुलर टाइम में, मतलब मेरा टाइमिंग सेम है लेकिन क्या हो रहा, मेरा जो मेरा डिस्टेंस है कवर करने का वो मेरा क्या अनइक्वल हो जा रहा, कभी 10 कभी 20 कभी 15 कभी 16 कुछ भी हो सकता है। तो जब मेरा पर्टिकुलर टाइमिंग में अनइक्वल डिस्टेंस शो करे कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम क्या बोलेंगे, वो मेरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर है, क्या है मेरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वी विल सी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये स्पीड क्या है, इसका मतलब पर्टिकुलर टाइमिंग में इसकी स्पीड इंस्टेंटली आपका बढ़ जाए, इंस्टेंटली आपका घट जाए, डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसको क्या इंस्टेंटली मतलब पर्टिकुलर टाइमिंग में तुरंत हम क्या करेंगे, अगर स्पीड हम 5 से तुरंत हम 50 कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कर दी हमें, इंक्रीज कर दी, ठीक है। When the speed of the body, keeps on changing
continuously. With time, continuously change or with time, its speed at any instant is known as instantaneous speed. Clear? क्या होता है ना कि इसमें बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में, मतलब तुरंत 2 सेकंड में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्पीड, बहुत स्पीड चला जा रहा है आपका, 2 सेकंड में ही डाउन हो जा रहा है, फिर आपका तुरंत मतलब पर्टिकुलर मतलब इंस्टेंट टाइमिंग में, मतलब व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, पर्टिकुलर हमेशा बार बार चेंज हो रहा है स्पीड, क्या हो रहा है बार बार लगातार चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली विद टाइम इट्स स्पीड एट एनी इंस्टेंट इन नोज इंस्टेंटेनियस स्पीड. जब हम लोग का स्पीड तुरंत आपका चेंज हो जाए पर्टिकुलर टाइमिंग में, मतलब कि शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइमिंग में तुरंत क्या हो आपका जो स्पीड है वो तुरंत चेंज हो जाए कंटिन्यूअसली चेंज हो. तो हम कोई पर्टिकुलर टाइमिंग अगर लेते हैं, सपोज ये मेरा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है, इसका स्पीड ऐसे 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 करके कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कभी और इंक्रीज होते जा रहा. तो हम पर्टिकुलर सपोज हमें 2.5 सेकेंड का निकालना है, 2.5 सेकेंड का अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू रहेगा ना वही मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगा, क्लियर. वही अगर हम 4 सेकेंड का निकालना चाहते हैं तो मेरे पास यहाँ का जो वैल्यू रहेगा, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा ये का स्पीड का, उसको हम क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. यानी कि कोई भी हम टाइमिंग पकड़ सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली ये चेंज हो रहा है, तो हम किसी भी टाइमिंग में इसका स्पीड अगर निकालने जाए तो वो जो स्पीड का वैल्यू होगा वो मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू होगा, क्लियर. नेक्स्ट अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड. नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड अब ये क्या है, ये है मेरा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइमिंग. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. जैसे कि टोटल डिस्टेंस आपका, फॉर एग्जांपल कोई लड़का है यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ये आपका 3 सेकंड में यहां तक पहुंचता है, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर डिस्टेंस तय करता है. ये कितना हो गया, सपोज ये हम आपका 5 मीटर लेते हैं, ठीक है, 5 मीटर नहीं थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 50 मीटर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर में ये फिर ये आपका 100 मीटर ट्रेवल करता है और इसकी टाइमिंग रहती है यहाँ पे 6 सेकेंड, ठीक है. नेक्स्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मेरा 30 मीटर तय करता है और इसकी टाइमिंग रहती है आपका 5 सेकेंड, ठीक है, और ये यहाँ तक पहुंच जाता है. सपोज कि अपने घर से स्टार्ट किया, ये इसका होम है, ठीक है, ये स्कूल इसको जाना है, ये स्कूल तक पहुंच गया, पहला 3 सेकेंड में ये 50 मीटर चला, दूसरा 6 सेकेंड में ये 100 मीटर चला और तीसरा 5 सेकेंड में ये 30 मीटर कवर किया, ठीक है. तो अब हम क्या बोलेंगे, इसका मुझे एवरेज स्पीड बताइए, इसका मुझे एवरेज स्पीड बताइए. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो हम ऐड करेंगे सारे डिस्टेंस को, 50, 100, 30, क्या हो जाएगा मेरा 180. नेक्स्ट 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, क्या हो जाएगा मेरा 14 सेकेंड, और ये 180 मीटर, ठीक है. इसको हम काटेंगे ये 7 से 9 से 18 0, यानी कि 90/7, यानी कि 7 × 7 20, 7 × 2 = 14, 14 = 60, 7 × 8 = 56 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो क्या हो जाएगा 12.8 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा
ये मेरा एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ये मेरा एवरेज स्पीड निकल जाएगा, क्लियर। यानी कि जितना भी डिस्टेंस एक ट्रेन कितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो एक घंटा में 10 किलोमीटर, 2 घंटा में 40 किलोमीटर, 3 घंटा में 20, तो हम क्या करेंगे, सारी स्पीड को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम टेक करती है उतना हम लिख देंगे, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा क्या, एवरेज स्पीड मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। द इसका डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी स्पीड हम बता चुके हैं, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है और बस इतना जानिए मीटर पर सेकेंड होता है इसका यूनिट, क्लियर। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी, अब हम जानेंगे कि मेरा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जाए वेलोसिटी निकालने के लिए, और मेरे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं वेलोसिटी जब भी निकालते हैं तो ये मेरा रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सपोज अगर बॉडी यहां से यहां तक मूव की, या आपका 100 मीटर मूव की, नेक्स्ट वो वापस आ गई 50 मीटर तक, ये 50 मीटर वापस आ गई और यहाँ पे अभी रुकी हुई है, और मुझे बोला जाएगा कि हमें वेलोसिटी निकालिए, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे क्या मिलता है 50 मीटर, क्योंकि 50 तो वापस आ चुकी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 50, और अगर इसका टाइमिंग दिया हो ये 10 सेकेंड में इतना मूव कर रही है, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे टोटल टाइमिंग को इससे डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, क्या मुझे मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये मेरा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, जिस तरीके से हमारा स्पीड में इसका यूनिट क्या था, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो उसी तरीके से वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्लियर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं m²-1 power 3, ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट जब देखें तो क्या हो जाएगा, ये मेरा cm/s, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं cm²-1, ठीक है। अब मेरे कौन सी क्वांटिटी है, ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम मेरा स्केलर है, तो ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर बाय स्केलर मेरा वेक्टर मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे,
डेंसिटी ऑफ द बॉडी ए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डायरेक्शन हम बताए हैं कि जो भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है वो मेरे क्या देगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देगा। तो जो भी मेरा ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी तो ये मेरे को क्या देगा डायरेक्शन भी देगा। यानी कि अगर मेरा 50 किलोमीटर है 50 किलोमीटर पर सेकेंड बोल पर आवर बोला जाए इसके ये वेलोसिटी है मेरा तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते ईस्ट। अगर मेरा ईस्ट ऐड किया हुआ है तो उसका मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में मेरा इतना किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। ठीक है नेक्स्ट इसका तो हमें पता चल ही गया ये मेरा क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम यूनिट है मीटर पर सेकेंड। जो मेरा स्पीड का रहता है वही मेरा वेलोसिटी का भी होता है। डिफरेंस बस इतना है कि ये मेरा डायरेक्शन भी देता है वो मेरा डायरेक्शन नहीं देता है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है डिस्टेंस नहीं वो मेरा डिस्टेंस बाय टाइम होता है। दोनों का यूनिट सेम ही रहता है एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। क्लियर अब हम वेक्टर वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे हमें वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ना तो सबसे पहले वेलोसिटी के टाइप्स में हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है ये भी क्या है मतलब कि मेरा पर्टिकुलर टाइमिंग में पर्टिकुलर आपको पर्टिकुलर टाइमिंग में पर्टिकुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 सेकेंड में आपका 10 मीटर सपोज किलोमीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हुआ नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगेन ये 10 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट होगा नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगेन ये 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से जितना बाद में हम टाइम इंटरवल अगर उतना ही लेते जाएंगे तो क्या होगा मेरा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है तो डेफिनेशन लिखते हैं इफ A body travels, if a body travels equal distance, in equal interval of time. In equal interval of time along a particular direction the body is said to be moving with a uniform velocity. हम लोग क्या बोलेंगे ये मेरा uniform velocity से move कर रहा है uniform velocity. Clear? Take a screenshot. Next,
करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इफ अ बॉडी मूव्स If a body travels unequal distance with equal interval of time, along a particular direction, the body is said to be moving with a uniform की जगह पे non-uniform हो जाएगा, non-uniform velocity. Clear? Non-uniform velocity क्या है? Same है speed की तरह ही, बस difference क्या है कि particular ये आपका direction भी देगा, उसमें क्या रहता है, सिर्फ magnitude रहता है, इसमें आपका direction भी देगा. Clear? मतलब पर्टिकुलर टाइमिंग में कभी ये आपका 10 मीटर चलेगा, कभी ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड, कभी ये 30 मीटर पर सेकेंड. मतलब पर्टिकुलर टाइमिंग में मेरा ये हमेशा चेंज होते रहेगा, क्लियर. नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Clear? तो ये क्या होता है नॉर्मली? ये आपका पर्टिकुलर टाइमिंग में हम लोग अगर ये मतलब बार बार चेंज होते रहे, इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होते रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी, सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये अपना स्पीड हमेशा चेंज कर रहा है, कभी इसका वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, कभी 20 मीटर पर सेकेंड, कभी 30 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है पर्टिकुलर टाइमिंग में? ये आपका 2 सेकेंड में हुआ, ये आपका अगेन 2 सेकेंड में इतना है, फिर अगेन 2 सेकेंड में इतना है. तो इसका मतलब क्या, हमेशा ये चेंज कर रहा है अपना, हमेशा इंस्टेंटली चेंज कर रहा है, मतलब बहुत ही कम टाइमिंग में चेंज कर रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंजेस. मतलब क्या होता है, लगातार तुरंत बहुत कम टाइम में चेंज होना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो हम अगर पर्टिकुलर टाइमिंग ले, मान लेते हैं 2 सेकंड में अगर लेना चाहे तो मुझे इतना मिलेगा, तो ये जो हो जाएगा ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, क्लियर. This is instantaneous velocity for a body moving with variable velocity. The velocity of the body at any instant is called instantaneous velocity. हम लोग तुरंत मतलब velocity क्या करे, या फिर increase करे, या फिर मतलब fraction of second में मतलब ये जो velocity है आपका changes हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा instantaneous velocity है, clear. Next हम लोग देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी ये होता है मेरा डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ये मेरा मीटर में होता है, ये मेरा सेकंड में होता है, इसलिए मेरा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है. ये क्या है, आपका जितना भी डिस्टेंस कवर किया, सपोज एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये यहां तक गया, फिर यहां तक आया, तो हम क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेट करने के बजाय हम इसको जीरो को कैलकुलेट करें. क्यों? क्योंकि ये बॉडी क्या है, राउंड शेप में है, वापस यहां तक है, जीरो बाय जो भी टाइम होगा तो क्या मिल जाएगा, मेरे को जीरो ही मिलेगा, क्लियर. तो ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी.
अगर इसका डेफिनेशन देखे तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बॉडी मूविंग इन अ मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम द रेशियो ऑफ displacement to total time is called average velocity. अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे चेंजेस विद टाइम द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखें कि हम वेलोसिटी और स्पीड के कि कैसे मतलब वेलोसिटी डिफरेंट होता है, हमको तो सब कुछ सेम से नहीं लग रहा है, ठीक है, तो कैसे डिफरेंट हो जाता है आपका वेलोसिटी और सपोज कोई बॉडी है, ठीक है, पहले हम लीनियर का देखते हैं, ठीक है, ये एक लाइन में जा रही है वापस इसी लाइन में आ गई, ठीक है, ये मेरा ट्रैवल की 50, ये मेरे ट्रैवल की 50 मीटर, ठीक है, ये जो वापस आई है मेरा 15 मीटर आई, ठीक है, यहाँ पे बॉडी ए है, यहाँ जिस पॉइंट पे वापस आई ये मेरा हो गया बी पॉइंट, ठीक है. अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड पूछा है, अब मुझे यहाँ पे स्पीड पूछा गया, तो स्पीड हम क्या बोलेंगे, हमें पता है टोटल स्पीड कितना है, डिस्टेंस बाय होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 50 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका टाइमिंग. अगर मान लीजिए बोला जाए कि यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने का जो टाइमिंग है टोटल टाइमिंग ये अपना 10 सेकेंड लिया लेगा, ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमें क्या मिलेगा 4.5 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा क्या हो गया स्पीड हो गया. क्लियर? वही जब आपको बोला जाए यही चीज का वेलोसिटी निकालिए तो क्या होगा, जब इसी चीज का बोला जाए वेलोसिटी निकालिए तो क्या होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये 50 था 15 वापस आ गया तो हमें क्या मिलेगा, 50 था 50 माइनस 15 क्या हो जाएगा मेरा 35 हो जाएगा, टाइमिंग वही है मेरा 10 क्योंकि टोटल टाइमिंग कितना कवर कर रहा है 10 ही कवर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा 10 ही रहेगा तो क्या हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? इस तरह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो गया अलग अलग हो गया, स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो गया अलग अलग हो गया. क्लियर? अगर सपोज अगर कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है, यहां से कोई बॉडी मूव कर रही है, यहां से फिर बॉडी यहां मूव की, यहां से बॉडी यहां मूव की, यहां से बॉडी यहां मूव की, तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन क्या हो रहा है अपना नॉर्मली जो इसका डायरेक्शन है ये बार बार चेंज कर रही है, यहाँ पे अलग हो रहा है फिर इधर से फिर अलग हो रहा है, मतलब इंस्टेंट यहाँ पे फिर इधर हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड हो रहा है, लेकिन जब मेरा स्पीड है वो तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि ये क्या है पर्टिकुलर टाइमिंग में पर्टिकुलर डिस्टेंस शो कर रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक भी 30, यहाँ से यहाँ तक भी 30, तो क्या हो रहा है पर्टिकुलर टाइमिंग में मेरा उतना ही ट्रैवल कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, ये मेरा यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा है, यूनिफॉर्म
स्पीड होगा, ठीक है। लेकिन अब वेलोसिटी देखने का, वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, मेरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है, हर एक पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्लियर। जब भी डायरेक्शन चेंज, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर नहीं है, चेंज कर रहा, तो वो मेरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो मतलब एक ही सर्किल में मुझे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रही है, एक ही पॉइंट पे मुझे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल रही है, क्लियर। अब हमें देखना है स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस देखेंगे। सो हियर इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। बता चुके हैं कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा पर टाइम पे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि मेरा वेलोसिटी देगा मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, इस वजह से मेरा वेलोसिटी बनेगा, और ये यहां मुझे किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। हम लोग का ये जो स्पीड है हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली वो इधर मूव करे तो भी हम काउंट करते हैं, इधर मूव करे तो भी हम काउंट करते हैं, वापस यहां तक पहुंच जाए तो भी हम काउंट करेंगे, तो ये कभी भी मेरा नेगेटिव में जाता ही नहीं, इधर भी पॉजिटिव में जोड़ेंगे, इधर ही पॉजिटिव में जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसका डायरेक्शन को काउंट नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए ये हमेशा मेरा पॉजिटिव देता है वैल्यू। अगर हम वही वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेरे को पॉजिटिव भी दे सकता है, मेरे को नेगेटिव भी दे सकता है। अगर बॉडी यहाँ से इधर मूव करेगी तो उसको पॉजिटिव नहीं तो वापस आएगी, तो मेरे को नेगेटिव देना पड़ेगा। तो इसी वजह से, क्योंकि हमें डायरेक्शन काउंट होता है, इसलिए ओपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इस तरह से चीज आ रही है, अगर वापस इस तरह से जाए तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को कट कर रहे, मतलब वापस जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर वापस पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मेरा वैल्यू पॉजिटिव भी दे सकता है, इसका वैल्यू मेरे को नेगेटिव भी मिल सकता है। सपोज नेगेटिव कैसे मिलेगा, सपोज ये 5 किलोमीटर इधर चला, ठीक है, और 10 किलोमीटर वापस आ गया, तो क्या बोलेंगे, मेरा माइनस का 5 किलोमीटर हुआ, माइनस का क्या हुआ, 5 किलोमीटर हुआ, तो इसीलिए मेरा वेलोसिटी क्या हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, माइनस का 5 किलोमीटर हुआ ना, तो अगर ये आपका 5 आवर में है तो क्या हो जाएगा, -5 किलोमीटर बाय 5 आवर, तो काट के मैंने क्या -1 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो इसी तरीके से मेरा ये क्या हो जाता है डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग देखते हैं, इस वजह से मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, स्पीड क्या है मेरा, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बता चुके हैं, क्योंकि मेरा डिस्टेंस क्या होता है, ये मेरा स्केलर होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम है, इस वजह से ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पॉइंट का बात करें तो ये क्या हो जाता है, इन ए सर्कुलर पाथ, अगर इसको हम सर्कुलर पाथ में मूव करें देन एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, ये मेरा जीरो नहीं होगा, ठीक है। जब हम किसी भी सर्कुलर पाथ पे, अगर मेरा यहां से शुरू होता है और
हम यहाँ पे खत्म करते हैं तो मेरा क्या है, ये मेरा 2πr बना रहा, तो 2πr बाई कितना हो, जितना टाइम लेगा, सपोज अगर ये 3 आवर लेगा तो 3 आवर, तो क्या होगा, ये मेरा कभी भी जीरो नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ से अगर शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसका मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है डिवाइडेड बाई अगर 3 आवर करते हैं तो क्या देगा मेरे को, जीरो देगा, ठीक है। तो कोई भी सर्कुलर पाथ होगा इन ए वन सर्कुलर पाथ, इन्हें वन सर्कुलर पाथ लिखते हैं, ठीक है, इन्हें इन ए वन फुल सर्कुलर पाथ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फोर नंबर में क्या हो जाएगा, इन ए वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ, इन ए वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ इट्स एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, ये मेरा जीरो हो जाएगा, क्लियर। इसमें मेरा जीरो हो सकता है, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, ये मेरा स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय, ये डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है, ठीक है। और ये फिफ्थ पॉइंट में वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हो जाता, क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आई होप इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, सो आई थिंक दिस विल हेल्पफुल फॉर यू, एंड टुमारो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू।